स्टूडेंट्स कुछ डाटा पहले ले लेते हैं जो कनेक्टेड टिश्यू का बचा हुआ डाटा है एनसीईआरटी का, कुछ एनसीईआरटी की लाइन है वो हम ले रहे हैं। जो हमने कार्टिलेज का डायग्राम ऐसे बनाया था, जो ये कार्टिलेज का डायग्राम है एनसीईआरटी का। अगर एग्जाम में ऐसा डायग्राम बना बना आ जाए और पूछ लीजिए क्या है तो क्या बोलोगे? कॉन्ड्रोसाइट्स और या कार्टिलेज सेल, ये क्या है? ये फाइबर है। बस दो ही चीज एग्जाम में बनी बनाए डायग्राम बनाया तो दो ही चीज पूछेगा, बताओ इन सेल को क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रोसाइट या कार्टिलेज सेल, और पूछेगा ये फाइबर क्या है, दूसरा बोलोगे फाइबर। तो कॉन्ड्रोसाइट और फाइबर, फाइबर का भी नाम पूछेगा कोलाजन फाइबर। फाइबर तो वैसे इलास्टिन की भी हो सकता है, लेकिन ना तुम्हारे एग्जाम में अगर ऐसा आ जाता डायग्राम तो दो चीज बोलनी है, कॉन्ड्रोसाइट सेल है कोलाजन फाइबर है, यही बोलना है कार्टिलेज में भी। तो फाइबर के फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ फाइबर, एक तो स्ट्रेंथ देते हैं, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड इलास्टिसिटी, टू कार्टिलेज। कार्टिलेज जो फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, इलास्टिक या फ्लेक्सिबल एक ही बात है। कार्टिलेज फ्लेक्सिबल इलास्टिक होते हैं किसकी वजह से होते हैं, फ्लेक्सिबल और इलास्टिक येलो फाइबर की वजह से, और स्ट्रेंथ किसकी वजह से होती है, व्हाइट फाइबर की वजह से। तो फाइबर के फंक्शन है, कार्टिलेज को स्ट्रेंथ या मजबूत देते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी या इलास्टिसिटी लचीलापन देते हैं, ये देते हैं फाइबर्स। और फाइबर में ऊपर डायग्राम में सिर्फ कोलाजन फाइबर लिखा है, ठीक है, और लिखा है कार्टिलेज ईयर ज्वाइंट में भी होते हैं। अब ईयर का ज्वाइंट है तो ये ईयर है, इसके ज्वाइंट में पता नहीं क्या बोल रहा है, ईयर का ज्वाइंट यही होगा फिर जो लिखा है, कार्टिलेज आल्सो फाउंड इन ईयर ज्वाइंट, एनसीईआरटी का एक वर्ड करना है, तो इसलिए डाटा चाहे समझ में आए या ना आए करने हैं, जो ईयर ज्वाइंट में भी ये मिलता है। दूसरा लिखा है एम्ब्रियोनिक स्टेज में लगभग कार्टिलेज होते हैं और सारे के सारे कार्टिलेज बोन में चेंज हो जाते हैं बर्थ के बाद, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज ऑफ एम्ब्रियो आर चेंज इनटू बोन। मॉडिफाइड हो जाते हैं, बोन में चेंज हो जाते हैं, और जो म्यूकोपोलीसेकेराइड लिखा था, बताया था ना मैट्रिक्स में म्यूकोपोलीसेकेराइड होता है, उसको म्यूकोपोलीसेकेराइड नहीं बोल रहा, मॉडिफाइड पोलीसेकेराइड बोल रहा है। मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ मॉडिफाइड पोलीसेकेराइड, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड का बना होता है मैट्रिक्स जो है, कार्टिलेज का मैट्रिक्स जो है मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है, जो म्यूकोपोलीसेकेराइड होता है जो। इसके अलावा एरियोलर टिश्यूज होता है, एरियोलर टिश्यू इज प्रेजेंट इन सेमी फ्लूड, एरियोलर टिश्यू इज प्रेजेंट इन सेमी फ्लूड ग्राउंड सब्सटेंस, एरियोलर टिश्यू का जो मैट्रिक्स था उसको सेमी फ्लूड कहा है, ना सॉलिड ना लिक्विड, सेमी फ्लूड, ठीक है। अब हम कहां छोड़ा था वहीं पे फिर आ जाओ दोबारा से, जो डब्ल्यूबीसी चल रहे थे, बेसोफिल चल रहा था, बेसोफिल में एक लाइन और बोलता हूं फिर न्यूट्रोफिल पाता हूं।
जब इंजरी होती है किसी को, चोट लगती है, तो वहां बेसोफिल डब्ल्यूबीसी अट्रैक्ट करता है न्यूट्रोफिल को, इओसिनोफिल को। एट इंजरी साइट जहां इंजरी होती है वहां पे, इंजरी साइट पे बेसोफिल रिलीज केमिकल विच अट्रैक्ट इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। जहां इंजरी होती है, जहां चोट लगती है, वहां पे बेसोफिल डब्ल्यूबीसी होते हैं, तो इन दोनों डब्ल्यूबीसी को अट्रैक्ट करते हैं। इंजरी या चोट वाली जगह पे बेसोफिल डब्ल्यूबीसी होता है, जो इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल दोनों को अट्रैक्ट करते हैं। मैंने बताया था एलर्जी में इओसिनोफिलिया हो जाता है, इओसिनोफिल का नंबर बढ़ जाता है। दूसरा मैंने बताया इओसिनोफिल डब्ल्यूबीसी किसको मारता है, इओसिनोफिल किसको मारता है, इओसिनोफिल मारता है उसको वर्म को, हुकवर्म, टेपवर्म, एस्केरिस, इनको मारता है। तो इन वर्म का इन्फेक्शन में भी इओसिनोफिल बढ़ जाता है, तभी तो मारेगा जब ज्यादा होगा जो। तो दूसरा मैंने कहा इओसिनोफिलिया अकर्स, इओसिनोफिलिया मतलब इओसिनोफिल का नंबर बढ़ जाना कब होता है, ड्यूरिंग वर्म इन्फेक्शन। वर्म चाहे एस्केरिस है, टेपवर्म है, हुकवर्म है, एटसेट्रा, इन वर्म का इन्फेक्शन होगा तो इओसिनोफिल का नंबर बढ़ जाता है, ताकि ये इओसिनोफिल डब्ल्यूबीसी तो मारेंगे उस वर्म को, इओसिनोफिल का डब्ल्यूबीसी का नंबर इसलिए बढ़ गया, तो इओसिनोफिल डब्ल्यूबीसी मारेगा इनको, एस्केरिस को, टेपवर्म को, हुकवर्म को, इओसिनोफिल डब्ल्यूबीसी तीनों को मारेगा, इसलिए इओसिनोफिल का नंबर बढ़ जाता है। मैंने कहा इंजरी वाली जगह पे बेसोफिल अट्रैक्ट करता है इनको, जो पता है जो मवाद होती है उसमें कौन सा डब्ल्यूबीसी सबसे ज्यादा होता है, न्यूट्रोफिल। हम बोलेंगे आफ्टर फ्यू फैगोसाइटोसिस, कुछ फैगोसाइटोसिस के बाद में, आफ्टर फ्यू फैगोसाइटोसिस न्यूट्रोफिल बिकम डेड। कुछ फैगोसाइटोसिस करने के बाद न्यूट्रोफिल मर जाता है एंड चेंज इनटू पस। न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी कुछ फैगोसाइटोसिस करेगा, फिर उसका मवाद मर जाता है और पस से मवाद में चेंज हो जाता है। तो न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी का न्यूट्रोफिल हम बोलेंगे 3 to 5 रोम्स इन द न्यूक्लियस। बेसोफिल में 3 लोब थी, इओसिनोफिल में 2 लोब थी न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन न्यूट्रोफिल में 3 से 5 लोब है जो। न्यूट्रोफिल जो डब्ल्यूबीसी है, इसमें 3 से 5 लोब है न्यूक्लियस में, जो न्यूक्लियस में 3 से 5 लोब है न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी में। न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी में 3 से 5 लोब है। और एक वर्ड इस्तेमाल किया इस बुक ने, जो है एक बुक ने वर्ड इस्तेमाल किया है इसकी लोब काउंटिंग के लिए। जब न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी के लोब को गिना जाए, काउंटिंग ऑफ लोब ऑफ न्यूट्रोफिल इज कॉल्ड आर्नेट काउंट। न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी जो है उसकी लोब गिनने को आर्नेट काउंट बोलते हैं।
न्यूट्रोफिल डब्ल्यूसी है उसकी लोब को गिने, न्यूट्रोफिल डब्ल्यूसी उसकी लोब को गिने तो बोलेंगे आर्नेथ काउंट, तीन से पांच लोब होती है इसकी, काउंटिंग को आर्नेथ काउंट बोलते हैं। तो सबसे पहले इसके न्यूट्रोफिल की बात करें, इओसिनोफिल इओसिन रंग से कलर्ड होता था, बेसोफिल बेसिक स्टेन से कलर्ड होता है और बेसिक स्टेन का नाम है लिस्वन स्टेन। बेसोफिल डब्ल्यूबीसी आर कलर्ड बाय बेसिक स्टेन, फॉर एग्जांपल लिस्वन स्टेन। ईओसिनोफिल डब्ल्यूबीसी ईओसिन से कलर्ड होते जो एसिडिक स्टेन थी इसलिए उनको एसिडोफिल बोलते थे। ईओसिनोफिल डब्ल्यूबीसी क्या बोलते थे? एसिडोफिल, क्योंकि एसिडिक स्टेन से कलर्ड होते थे। ईओसिन स्टेन एसिडिक स्टेन थी। बेसोफिल डब्ल्यूबीसी लिस्वन स्टेन से कलर्ड होते हैं जो एक बेसिक स्टेन। तो इसलिए बेसोफिल मतलब अट्रैक्शन, बेसिक स्टेन के प्रति अट्रैक्शन है। बेसोफिल डब्ल्यूसी आर कलर्ड विद बेसोफिल स्टेन लिस्वन स्टेन, ब्लू कलर की स्टेन है जो डब्ल्यूबीसी ब्लू कलर का हो जाएगा जो। और एक डब्ल्यूबीसी है जो एसिडिक स्टेन से भी रंगीन होता है, बेसिक से भी कलर होता है और न्यूट्रल स्टेन से भी कलर होता है, उसका नाम है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल डब्ल्यूसी आर कलर्ड विद एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल स्टेन। तीनों कलर से कलर्ड हो जाएंगे जो एसिडिक रंग है उससे भी कलर्ड हो जाएगा न्यूट्रोफिल, बेसिक से भी कलर्ड हो जाएगा, न्यूट्रल स्टेन से भी कलर्ड हो जाएगा। न्यूट्रल है हर स्टेन के प्रति न्यूट्रल है, सभी से कलर्ड हो जाता है न्यूट्रोफिल डब्ल्यूसी। अच्छा साइज में सबसे बड़ा था ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूसी में इओसिनोफिल 12 माइक्रोमीटर, सबसे छोटा था सबसे बड़ा था 14 माइक्रोमीटर का इओसिनोफिल। बेसोफिल सबसे छोटा था 8 से 10 माइक्रोमीटर, लेकिन न्यूट्रोफिल बीच का है 12 माइक्रोमीटर इसका साइज है। साइज ऑफ न्यूट्रोफिल इस 12 माइक्रोमीटर बीच का है। इओसिनोफिल 14 माइक्रोमीटर का था, सबसे बड़ा ग्रेनुलोसाइट था, 8 से 10 का था बेसोफिल, सबसे छोटा ग्रेनुलोसाइट था, ये बीच का है 12 माइक्रोमीटर। वैसे ओवरऑल सबसे छोटा सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी दोनों ही ए ग्रेनुलोसाइट है, वो बाद में बात करूंगा मैं। अच्छा इसके अलावा लो साइज डब्ल्यूबीसी का इतना है, इसका लाइफ स्पैन कितना है वो साइज के हिसाब से गैस करो। 12 माइक्रोमीटर 12 दिन, ये वैसे ही रैंडमली ऐसा हो गया कि 14 तो 14 दिन, 12 तो 12 दिन, 8 10 तो 10 दिन, लेकिन रियलिटी में अपने आप हो गया, वैसे होता नहीं, कोई रीजन नहीं है इसका जो। तो इसका उम्र कितनी है? लाइफ स्पैन ऑफ न्यूट्रोफिल 12 डेज। अच्छा ये फैगोसाइटोसिस कर देता है जो न्यूट्रोफिल डब्ल्यूसी, दिस डब्ल्यूसी शो फैगोसाइटोसिस, ये डब्ल्यूबीसी फैगोसाइटोसिस शो करेगा। किसको मारेगा फैगोसाइटोसिस से? बैक्टीरिया वायरस को, किल बैक्टीरिया वायरस। फैगोसाइटोसिस से मारेगा डब्ल्यूबीसी बैक्टीरिया और वायरस को, बैक्टीरिया और वायरस को ये डब्ल्यूबीसी फैगोसाइटोसिस से मार देगा।
बैक्टीरिया वायरस को मारेगा फैगोसाइटिस से। और इसके बाद हम बात करते हैं इसको माइक्रो पुलिसमैन बोलते हैं, न्यूट्रोफिल इज कॉल्ड माइक्रो पुलिसमैन। बैक्टीरिया वायरस तो होगा क्रिमिनल, बैक्टीरिया वायरस होगा क्रिमिनल और ये मारता है इसलिए पुलिसमैन बोलेंगे इसको। लेकिन माइक्रो इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसका साइज छोटा है। एक डब्ल्यूबीसी और है जो फैगोसाइटिस करेगा इसी की तरह से, वो भी पुलिसमैन है लेकिन वो साइज में बड़ा है, उसको माइक्रो पुलिसमैन बोलेंगे। ये माइक्रो पुलिसमैन। इसके अलावा तीनों डब्ल्यूबीसी जिसमें एक से ज्यादा लोग इओसिनोफिल इओसिनोफिल बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, तीनों डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कार्ड। आर दीज थ्री कार्ड तीनों डब्ल्यूबीसी जो अभी मैंने करवाए इओसिनोफिल बेसोफिल न्यूट्रोफिल, इनमें तीनों में एक में लोग बेसोफिल में तीन लोग थी, इओसिनोफिल में दो लोग थी, न्यूट्रोफिल में बहुत ज्यादा लोग थी, तीन से पांच लोग थी। तो इन सारों को पीएमएनएन बोलते हैं। क्यों? ऐसा लगता है जैसे कई न्यूक्लियस हो, पोली मोर्फो न्यूक्लियर, कई मोर्फोलॉजी का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पाइलोब भी है, ट्राइलोब भी है, मल्टीलोब भी है, तो इनको बोलेंगे सारे डब्ल्यूबीसी को जिसका न्यूक्लियस में लोब ज्यादा है पोली मोर्फो, बहुत मोर्फोलॉजी में है न्यूक्लियस की लोब, पोली मोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। जबकि मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहां होते हैं? मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं? एक ग्रैनुलोसाइट को। एक ग्रैनुलोसाइट जिसमें दाने नहीं होते, दो होते हैं ये मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट एक ग्रैनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी है जिनमें दाने नहीं होते, इनको मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट बोलते हैं क्योंकि इसके न्यूक्लियस में लोब एक लोब का न्यूक्लियस है, सिंगल लोब्ड न्यूक्लियस, एक लोब का न्यूक्लियस है मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट के अंदर। इन डब्ल्यूबीसी के अंदर एक लोब का न्यूक्लियस है, मोनोलोब न्यूक्लियस है, इसको मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट बोलेंगे, एक न्यूक्लियस है। उनमें ऐसा लिख रहा है जैसे कई न्यूक्लियस हो, लोब ही लोब है तो लोब का मतलब कई न्यूक्लियस है उसमें, इसमें एक न्यूक्लियस है एक लोब का। न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी जो है अगर नंबर में कम हो जाए तो बोलेंगे न्यूट्रोपिनिया, डिक्रीज इन नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल इन ब्लड। पीएनआईए न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी कम हो जाए तो पीनिया वर्ड लगा देंगे, न्यूट्रोपिनिया मतलब न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी कम हो जाए बॉडी में, और ये ज्यादा हो जाए तो क्या बोलेंगे? न्यूट्रोफिलिया, इंक्रीज इन नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल।
न्यूट्रोफिल का नंबर बढ़ जाए तो बोलेंगे न्यूट्रोफिलिया, कम हो जाए तो बोलेंगे न्यूट्रोपिनिया। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी पे, ये न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी है, इसमें एक ऐसे स्पेशल लोब होती है जिसको बोलते ड्रम स्टिक। न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी पे एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते ड्रम स्टिक। ड्रम स्टिक क्या होती है, बाजे वाले ना होते हैं, बजाते हैं, ऐसी नहीं होती ड्रम स्टिक, बाजे वाले पीटते हैं, तो इसमें ड्रम स्टिक अटैच होती है, जो ड्रम को पीटने वाले स्टिक जैसी है, न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी में होती है। इट इज आल्सो कॉल्ड सैक्स क्रोमेटिन, इसको सैक्स क्रोमेटिन भी बोलते हैं। ये सैक्स क्रोमोजोम से बनती है, फॉर्म फ्रॉम एक्स क्रोमोजोम और सेक्स क्रोमोजोम। ड्रम स्टिक जो बनती है वो एक्स क्रोमोजोम या सेक्स क्रोमोजोम से बनती है, एक एक्स क्रोमोजोम ज्यादा फोल्ड हो जाता है जिससे ड्रम स्टिक बनती है। और ये मेल के डब्ल्यूबीसी में नहीं होते, फीमेल के डब्ल्यूबीसी में होते हैं। इट इज प्रेजेंट इन मेल डब्ल्यूबीसी, नॉट फीमेल डब्ल्यूबीसी। ड्रम स्टिक मेल के डब्ल्यूबीसी में होती है, फीमेल के डब्ल्यूबीसी में नहीं होती। जो उल्टा लिखे, इट इज प्रेजेंट इन फीमेल डब्ल्यूबीसी बट नॉट इन मेल डब्ल्यूबीसी। क्यों? ड्रम स्टिक वहां होती है जहां दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम तो नहीं होती है, तो मेल में तो एक एक्स क्रोमोसोम है इसलिए ड्रम स्टिक नहीं है, फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम है इसलिए ड्रम स्टिक है, क्योंकि दो एक्स क्रोमोसोम होते, एक एक्स क्रोमोसोम से तो बन जाएगी ड्रम स्टिक और दूसरा एक्स क्रोमोसोम कुछ नहीं करेगा। मेल में एक एक्स क्रोमोसोम वो ड्रम स्टिक में थोड़ी चेंज हो जाएगा, फिर बॉडी करेक्टर कौन कंट्रोल करेगा? तो ड्रम स्टिक फीमेल में डब्ल्यूबीसी में है, दो एक्स क्रोमोसोम है इसलिए एक ड्रम स्टिक में चेंज होगा, एक नॉर्मल है। मेल में एक डब्ल्यूबीसी है तो ड्रम स्टिक में चेंज नहीं होगा, एक डब्ल्यूबीसी एक उसका एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम ड्रम स्टिक में चेंज नहीं होगा, वरना फिर बॉडी करेक्टर को तो एक्स क्रोमोसोम कंट्रोल करता है, कौन करेगा फिर? तो ये ड्रम स्टिक के बारे में था न्यूट्रोफिल में। इसके अलावा अब हम आते हैं ए ग्रैनुलोसाइट। दो टाइप के होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। दो टाइप के ए ग्रैनुलोसाइट है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इनमें ग्रैनुल नहीं होते। जो सबसे पहले लेते हैं मोनोसाइट, मोनोसाइट सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी, ये ओवरऑल सबसे बड़ा है मोनोसाइट। इट इज लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा मोनोसाइट। इट शो फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटिस शो करता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड मैक्रोपोलिसमेन। सिर्फ दो डब्ल्यूबीसी है जो फैगोसाइटिस करते हैं, मोनोसाइट जो सबसे बड़ा है, न्यूट्रोफिल जो सबसे ज्यादा है, इनके अलावा कोई भी फैगोसाइटिस नहीं करता मोनोसाइट न्यूट्रोफिल के अलावा। तो ये बड़ा भी है इसलिए इसको भी पुलिसमैन बोलेंगे, फैगोसाइटिस कर रहा है, मैक्रोफेज को भी मोनोसाइट को भी पुलिसमैन बोलेंगे और न्यूट्रोफिल को भी पुलिसमैन बोलेंगे। वो छोटा है या बड़ा है, वो माइक्रो पुलिसमैन या मैक्रो पुलिसमैन,
फैगोसाइटोसिस कहता है, पुलिसमैन है इसको बोलेंगे। मोनोसाइट ब्लड से बाहर आ जाता है, इट कैन कम आउट फ्रॉम ब्लड वेसल्स थ्रू डायापेडेसिस। डायबिटीज से बाहर आ जाता है, डब्ल्यूबीसी ब्लड से बाहर आने को डायबिटीज बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी ब्लड से बाहर आया तो उसको बोलेंगे डायबिटीज, डायबिटीज शो करता है। अमीबॉइड डब्ल्यूबीसी कौन कौन से है? अमीबॉइड ल्यूकोसाइट, एक जगह तो पांचों डब्ल्यूबीसी को अमीबॉइड का है, अमीबॉइड जैसे होते हैं पांचों डब्ल्यूबीसी का है। लेकिन एलन वाला बुकलेट वाला बोलता है मोनोसाइट के बारे में नहीं बता रहा, वो चारों डब्ल्यूबीसी को अमीबॉइड का है। जो डब्ल्यूबीसी अदर देन मोनोसाइट, लेकिन मेरे हिसाब से पांचों ही डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड जैसे होता है, अमीबॉइड डब्ल्यूबीसी पांचों को बोलना चाहिए, और अमीबॉइड से मोनोसाइट होना चाहिए, फैगोसाइटिस कर रहा है जो। लेकिन इसने अमीबॉइड नहीं लिख रखा एलन वाले बुक ने मोनोसाइट के बारे में, और ये तो जरूर होना चाहिए अमीबा जैसा, क्योंकि फैगोसाइटिस कर रहा है, फैगोसाइटिस वाले अमीबा जैसे होते हैं, लेकिन नहीं लिखा। तो डब्ल्यूबीसी लगभग क्या है, अमीबॉइड शेप के होते हैं, जो अमीबा जैसे होते हैं। और मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी जब ब्लड से बाहर आ जाए तो क्या कहा था मैंने, मोनोसाइट जब ब्लड से बाहर आ जाए वैन मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी कम आउट ब्लड इट इज कॉल्ड मैक्रोफेज। मोनोसाइट्स जब ब्लड से बाहर आ जाए डब्ल्यूबीसी, जब मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी ब्लड से बाहर आ जाए तो मैक्रोफेज बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी मेनली न्यूट्रोफिल, डब्ल्यूबीसी को सोल्जर और स्क्वेंजर बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी आर कॉल्ड सोल्जर एंड स्क्वेंजर। सोल्जर मतलब सैनिक, स्क्वेंजर मतलब सफाई करने वाले हैं। तो मेनली दोनों दो फैगोसाइटिस वाले उनको ही सोल्जर स्क्वेंजर मेनली कहा जाएगा। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट इनको मेनली सोल्जर स्क्वेंजर बोलते हैं, वरना बोलने को सोल्जर स्क्वेंजर पांचों डब्ल्यूबीसी को बोल देंगे, जो डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम सोल्जर स्क्वेंजर है। लेकिन मेन फैगोसाइटोसिस करते हैं न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। इसके अलावा हो गए, तो अब हम आते हैं लास्ट डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट। मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी जो था इसका न्यूक्लियस किडनी जैसा था, किडनी शेप न्यूक्लियस। किडनी जैसा न्यूक्लियस मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी का होता है, मोनोसाइट से मैक्रोफेज बनती है, मैक्रोफेज का भी न्यूक्लियस किडनी जैसा ही होगा क्योंकि मोनोसाइट से बनी है। मैक्रोफेज दो टाइप की होती है, फिक्स्ड मैक्रोफेज और वांडरिंग मैक्रोफेज। जो मैक्रोफेज अटैच हो उसको फिक्स बोलते हैं, जो मूव करे उसको वांडरिंग बोलते हैं। तो न्यूक्लियस किडनी जैसा होता है मोनोसाइट का, और मोनोसाइट का लाइफ स्पैन 24 घंटे भी है ब्लड में, लेकिन कनेक्टेड टिश्यू में ये इसका लाइफ स्पैन वीक या मंथ में हो सकता है। मोनोसाइट 24 आवर लाइफ स्पैन इन ब्लड।
बट लाइफ स्पैन इज कैपिटल इश्यू, इसका लाइफ स्पैन है। ट्वेंटी फोर आवर लाइफ स्पैन ऑफ मोनोसाइट, ब्लड में मोनोसाइट का लाइफ स्पैन है 24 आवर, लेकिन इसका लाइफ स्पैन इन कलेक्टेड इश्यू इज इन वीक और मंथ। लाइफ स्पैन एक हफ्ता हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है, महीने भी हो सकते हैं, वीक या मंथ में भी लाइफ स्पैन हो सकता है मोनोसाइट का। नॉर्मली ब्लड में एक दिन बाद खत्म हो जाती है, एक दिन लाइफ स्पैन होता है मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी का। अब हम आते हैं लिम्फोसाइट। इसका न्यूक्लियस गोल होता है, राउंडेड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस लिम्फोसाइट का गोल है, राउंडेड है। ये स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी है, लार्जेस्ट मोनोसाइट स्मॉलेस्ट ये। इसका मतलब दोनों एक ग्रैनुलोसाइट है, वो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट है ओवरऑल। बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, वो ग्रैनुलोसाइट तो उनमें सबसे छोटा, सबसे बड़ा कौन था वो ले लिया था, लेकिन उनसे भी छोटा यहां है, उनसे भी बड़ा यहां है। लिम्फोसाइट क्या है? स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट। सबसे छोटा डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट। परसेंटेज बता दीजिए, न्यूक्लियस की शेप बता दीजिए। लिम्फोसाइट दो टाइप की होती है, बी सेल टी सेल। बी सेल बनती है फॉर्म इन बोन मैरो, बूस्टर टिश्यू। बूस्टर टिश्यू आते हैं, चलो टॉन्सिल और पेयर पैचेस। बी सेल बोन मैरो की वजह से बी सेल नाम है, या बूस्टर टिश्यू की वजह से बी नाम है। बूस्टर टिश्यू बोलते हैं टॉन्सिल और पेयर पैचेस को। टी सेल बनती है, डिफरेंशिएट होती है, डिफरेंशिएटेड इन थाइमस। गोल्ड न्यूक्लियस वाले को मैंने लिम्फोसाइट कहा। लिम्फोसाइट दो टाइप की है, बूस्टर टिश्यू या बोन में डिफरेंशिएट हो तो बी सेल बोलेंगे, थाइमस में डिफरेंशिएट हो तो टी सेल बोलेंगे। फॉर्म नहीं, डिफरेंशिएट। बी सेल टी सेल, टी सेल की टाइप हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल, मेमोरी टी सेल। लिम्फोसाइट गोल्ड न्यूक्लियस के डब्ल्यूबीसी को कहा, गोल्ड न्यूक्लियस का डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट। बोन में डिफरेंशिएट हो बी सेल, थाइमस में डिफरेंशिएट हो टी सेल। टी सेल की चार टाइप है, हेल्पर टी सेल, हेल्प बी सेल, इन एंटीबॉडी फॉर्मेशन। बी सेल तब तक एंटीबॉडी नहीं बनाएगी जब तक हेल्पर टी सेल हेल्प ना करे। हेल्पर बी सेल एंटीबॉडी बनने में हेल्प करती है। सप्रेसर टी सेल
जब माइक्रोब शरीर में मर जाता है तो सारी सेल को सप्रेस करते दबाती है कि रुक जाओ माइक्रोब मर चुका है। स्प्रेस ऑल लिम्फोसाइट आफ्टर रिमूवल ऑफ माइक्रोब। बॉडी बॉडी में से माइक्रो मरने के बाद सप्रेस करते दबाती है सबको। हेल्पर टी सेल बी सेल को बोलती है एंटीबॉडी बना तो उसकी हेल्प करती है एंटीबॉडी बनने में। सप्रेसर टी सेल सारी सेल को दबा देगी कि माइक्रो मर चुका कुछ मत करो। जो सप्रेसर टी सेल सप्रेस करती माइक्रो सेलों को जो और माइक्रोब मरने के बाद दोबारा ना आ जाए इसलिए कुछ टी सेल रह जाती है उनको मेमोरी टी सेल बोलते हैं। मेमोरी टी सेल क्या होते हैं? दिस रिमेन इन बॉडी इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम बॉडी। बॉडी से माइक्रोब चला जाएगा फिर भी मेमोरी सेल रहेगी। जो बी सेल माइक्रोब को मारते हैं एंटीबॉडी से किल माइक्रोब्स थ्रू एंटीबॉडी। किलर टी सेल भी माइक्रोब को मारती है लेकिन दूसरे तरीके से मारती है। किलर टी सेल किल माइक्रो थ्रू परफोरेशन विद द हेल्प ऑफ परफोरिन प्रोटीन। परफोरिन प्रोटीन से मारेगी जो है परफोरिन प्रोटीन से मारेगी किलर टी सेल। कैसे मारेगी पता है? माइक्रोब के परफोरिन प्रोटीन यूं अंदर डाल देगी उसमें छेद हो जाएगा लिक्विड अंदर चला जाएगा फट जाएगा माइक्रोब। परफोरेशन में होता था छेद करके मारना। जो परफोरेशन किसको बोलते हैं? होल फॉर्मेशन। छेद कर देगी प्रोटीन को, ये प्रोटीन छेद कर देगी परफोरिन माइक्रोब के अंदर पानी घुस जाएगा और मर जाएगा माइक्रोब्स। और इन चार बी सेल और टी सेल एचआईवी वायरस किसको मारता है? मैं वैसे बता दूं, लिख लेना तुम, जो मैं लिख नहीं रहा हूं तुम लिख लेना। एचआईवी सेल हेल्पर टी सेल को किल करता है। चलिए लिख देता हूं। एचआईवी रिड्यूस किल द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल को मारता है। अब बताओ एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एचआईवी किसको मारता है? हेल्पर टी सेल, टी सेल, लिम्फोसाइट, डब्ल्यूबीसी। तो क्या टिक मारना? हेल्पर टी सेल सबसे लास्ट वाला। हेल्पर टी सेल ऑप्शन में ना हो तो टी सेल, क्योंकि हेल्पर टी सेल टी सेल के टाइप है। हेल्पर टी सेल ऑप्शन में तो टी सेल को मारेंगे। टी सेल भी ऑप्शन में नहीं है तो लिम्फोसाइट, क्योंकि लिम्फोसाइट के टाइप है बी ऑप्शन टी सेल। और वो ऑप्शन में ना हो तो डब्ल्यूबीसी। तो एचआईवी वायरस जो है हेल्पर टी सेल को मारता है, वो ऑप्शन में नहीं है तो मारेंगे टिक लिम्फोसाइट पे। वो भी ऑप्शन में नहीं है फिर टिक मारेंगे डब्ल्यूबीसी पे। जो पहले टिक मारेंगे हेल्पर टी सेल पे, फिर वो नहीं है तो टी सेल पे, वो नहीं है तो लिम्फोसाइट पे, वो नहीं है तो डब्ल्यूबीसी। ब्लड की सेल के अंदर एचआईवी वायरस ऐसे मारता है। किलर टी सेल दो टाइप होती है। किलर टी सेल दो टाइप होती है, सीडी फोर
प्रेजेंट किलर टी सेल या टी सेल और दूसरी होता है CD8 पॉजिटिव टी सेल। CD4 टी सेल में CD4 रिसेप्टर होता है, कंटेन CD4 रिसेप्टर, इसमें कंटेन CD8 रिसेप्टर। टी सेल के ऊपर अगर CD4 नाम का रिसेप्टर है तो CD4 टी सेल बोलेंगे, और CD8 नाम का रिसेप्टर है तो CD8 रिसेप्टर, तो इसको CD8 टी सेल बोलेंगे। CD4 रिसेप्टर है तो बोलेंगे CD4 टी सेल, CD8 रिसेप्टर है तो CD8 टी सेल। क्या डिफरेंस है बी सेल और टी सेल में? बी सेल और टी सेल में क्या डिफरेंस है? बी सेल और टी सेल दोनों में क्या डिफरेंस है? ये एंटीबॉडी बनाती है, नो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी नहीं बनाती। बी सेल एंटीबॉडी बनाती, टी सेल नहीं बनाती एंटीबॉडी। जब ये एंटीबॉडी बनाती है तो इनको प्लाज्मा सेल बोलते हैं, एंटीबॉडी फॉर्मिंग बी सेल। जब बी सेल एंटीबॉडी बनाए तो क्या बोलेंगे इनको? जब बी सेल एंटीबॉडी बनाए तो इनको बोलेंगे प्लाज्मा सेल। ये हेल्प करती है बी सेल की, नो हेल्प ऑफ टी सेल। बी सेल हेल्प कर, टी सेल बी की हेल्प करती है एंटीबॉडी बनने में, लेकिन ये